ढाकलेश्वर महादेव मंदिर स्वयंभू हैं, जो प्राचीन समय पे जमीन के अंदर से निकले थे। यहाँ पर जब मुंबई का इतना विकास नहीं था इस क्षेत्र का, तब एक चरवाहा गाय चराने के लिए इस क्षेत्र में आता था और एक गाय का दुग्ध एक स्थान में अपने आप गिर जाता था। गाय के मालिक ने बार बार चरवाहे पर आरोप लगाया कि ये दूध तू पी लेता है, कहाँ जाता है। एक दिन उसके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिरकार इस गाय का दूध जाता किधर है, तो छुप के देखने लगा। तो जब मंदिर के समीप पे, जहाँ पर मंदिर आज ढाकलेश्वर महादेव मंदिर बना है, उस शिवलिंग के ऊपर अपने आप उसका दूध गिरने लगा, तब उन्होंने विचार किया कि आखिरकार इसके जमीन के अंदर क्या है। देखा तो वहाँ से ढाकलेश्वर महादेव मंदिर जो आज बन गया है, तो स्वयंभू शिव जी वहाँ से प्रकट हुए निकले, और कालांतर में दादा ढाक जी करके वो सेठ जी थे जिन्होंने उस मंदिर का निर्माण करवाया, उनके नाम के आधार पर उस मंदिर का नाम ढाकलेश्वर महादेव मंदिर हुआ। वह सिद्ध ढाकलेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर रात्रि में लगभग 12 बजे के बाद, 12 बजे से 4 बजे के बीच में तीन देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती प्रतिदिन दर्शन के लिए आती हैं। कई बार कई भक्तों को, कई मंदिर के कर्मचारियों को सामने से तो नहीं लेकिन पीछे से जाती हुई अवश्य दिखाई दी हैं, तो उनका लुफ्त उठाते हैं भक्त लोग जब भी समय मिलता है, जिसके भाग्य जागृत होते हैं।